हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निया लैब्स। हाय देवेन। हाय हाय सर। पुलकित। हाय सर। तो आज फ्रेंड्स जेई मेंस एफएक्यू का अपना सेकंड वीडियो बना रहा हूं मैं आज देवेन और पुलकित की हेल्प से। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लोकस ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला यूजिंग सर्कल्स। सर्कल के डेफिनेशन का यूज करके इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लोकस पता है आपको? लोकस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं हम लोकस ज्योमेट्री में? सिंपली पाथ पॉइंट फॉलोड बाय ए पॉइंट, पॉइंट अकॉर्डिंग टू सम ज्योमेट्रिक कंडीशन। मतलब वो ज्योमेट्रिक कंडीशन जो भी होगी उसके हिसाब से वो पाथ सेट हो जाएगा, यस चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या कुछ भी हो। यस तो सर्कल की डेफिनेशन बता सकते हो लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर्कल को कैसे सोचते हैं अपन? कंपास का यूज करके कभी सर्कल बनाया? यस सर। कैसे बनाते हैं? पॉइंट सबसे पहले निडल फिक्स कर देते हैं फिक्स रेट और कंपास को ओपन कर देते हैं और फिक्स रखते हैं उसको। यस तो ये क्या हो गया, मेरा एक फिक्स पॉइंट जहां पे तुमने निडल टिका रखी है, यस और ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, रेडियस ए। अब तुमने पेंसिल को पकड़ा, मतलब जो मेरे वेरिएबल पॉइंट है उसको पकड़ा और घुमा दिया। यस अच्छा नहीं बनाए, वापस ट्राई करते हैं। चलो थोड़ा रेस्पेक्टेबल है, काम चलाते इसी से। तो इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डेफिनेशन का यूज करके इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो मान लो ये पॉइंट क्या, अल्फा कोमा बीटा। बीटा। ये पॉइंट मेरा वेरिएबल पॉइंट क्या है, एक्स कोमा वाई। तो कैसे रिलेट कर सकता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेट कर सकता हूँ सर्कल की डेफिनेशन। एक्स माइनस अल्फा होल अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर अंडर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया सिंपली, ठीक है। यस तो पैराबोला का लोकस कैसे सेट करते हैं, ध्यान है कुछ तुम्हें? 12वीं की जनता हो, थोड़ा भूल गए होगे 11th क्लास में क्या पढ़ा है, याद दिलाता हूँ। पैराबोला केस में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन। याद है इस लाइन को क्या बोलते थे? हाँ, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। और इस पॉइंट को फोकस। फोकस तो अब जो मेरा वेरिएबल पॉइंट है वो इस तरीके से मूव करेगा कि सच दैट उसकी डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से क्या हो, इक्वल हो। ये दोनों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल। इक्वल तो मैं इसको घुमा दूं तो ये कैसी कर्व बन जाएगी, इस टाइप की कर्व बन जाएगी। काफी सही बन गया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला कर्व क्या बन गई, पैराबोला की। तो पैराबोला का लोकस क्या हुआ, पैराबोला इज लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट विच इज फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन विच इज डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस, ये इसको बोलते हैं टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वाई एक्सिस, और फोकस का कोऑर्डिनेट मान लिया ए कोमा जीरो एज यूजुअल। वेरिएबल पॉइंट मान लिया एक्स कोमा वाई। सोल्व करोगे तो इक्वेशन आ जाती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यस तो ये पैराबोला के जो लोकस की डेफिनेशन हमने पढ़ी, इसको सर्कल के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? सिंपल से एक मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। तो एक सिचुएशन हमारे पास, लोकस ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल विच इज सच दैट इट ऑलवेज टचेज ए गिवन सर्कल एक्सटर्नली एंड ए गिवन लाइन। तो हमारे पास एक सर्कल है जो कि फिक्स है, मान लो ये मेरा फिक्स सर्कल है, यस ओके, ये कोई फिक्स लाइन है। तो दूसरा वाला सर्कल है जो कि तुम किसी भी डायमेंशन का हो सकता है, पर कंडीशन सिर्फ कितनी है कि वो इस सर्कल को और इस लाइन को टच करे हमेशा, ठीक है। यस तो सोच के देखो,
ये सर्कल ने टच कर लिया इसको, यस सर, डे ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो काम चला हुआ है, तो इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूं। यस सर, मान लो ये मेरा पॉइंट है फिक्स सर्कल का O1, और वेरिएबल सर्कल का जो सेंटर जिसका लोकस पता करना है वो है O2, ठीक है। इसकी रेडियस मान लिया R1, इसकी वेरिएबल रेडियस मान ली R, कोई दिक्कत? नो सर। तो सोच सकते हो ये जो सर्कल आया मेरे पास, वेरिएबल सर्कल का सेंटर क्या होगा। अब इसकी तुम ध्यान सोचो, ये डिस्टेंस कितनी है, सर्कल के टच करने की कंडीशन क्या होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी, O1 O2 किसके बराबर होगी, हाँ दोनों की रेडियस के सम के बराबर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, R1। तो मैं काम करता हूं, ये जो गिवन लाइन है मेरे पास, ये वाली जो लाइन है, मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं नीचे, और उसका डिस्टेंस कितना रखूंगा, सोच सकते हो कितना रखूंगा, R1 के इक्वल, समझे? यस सर। ये डिस्टेंस कितनी रख लूंगा मैं, R1। तो सोच सकते हो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये भी एक परपेंडिकुलर है, मान लो ये पॉइंट है M, तो और तू M की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R, अगेन ये डिस्टेंस R1 है, ये आ रही है। तो यहां से देख सकते हो तुम, जो ये फिक्स पॉइंट O2 है, जो मेरा ये फिक्स पॉइंट O2 है, ये क्या किस तरीके से मूव कर रहा है कि इसके डिस्टेंस पॉइंट O1 से और इस लाइन से जो मैंने नई ड्रॉ की है क्या है, बराबर। यस सर। तो O2 का लोकस क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ O2 क्या हो जाएगा, पैराबोला। क्या हो जाएगा, पैराबोला, क्योंकि ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से क्या है, बराबर। तो उस केस में ये लाइन क्या बन गई मेरी, डायरेक्ट्रिक्स। यस सर। और ये क्या बन गया, O1, फोकस है कि नहीं। यस। तो अपन ये क्वेश्चन पढ़ के आराम से सोल्व कर सकते हैं कि पैराबोला ही आएगा डायरेक्टली, अगर डेफिनेशन सोची जाए तो। अदरवाइज मेथड क्या अपना निकालने का, एच कोमा के सेंटर एज्यूम करो, टेंजेंसी कंडीशन अप्लाई करो, और इस डिस्टेंस लाइन से डिस्टेंस अप्लाई करो, तो सोल्व होके अपना पैराबोला जैसी इक्वेशन आ जाएगी इस टाइप की कुछ, ठीक है। तो इस पे एक पास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो ये क्वेश्चन है जो पहले जेई मेंस 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन है क्या, द सेंटर्स ऑफ दोस सर्कल्स विच टच द सर्कल x² + y² - 8x - 8y - 4 = 0 externally and also touch the x-axis will lie on, कहाँ पे लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन तुम देखते ही बता सकते हो, ये गिवन सर्कल है, yes, और x-axis मेरी गिवन फिक्स लाइन है, yes, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, पैराबोला है कि नहीं, yes। तो डायरेक्ट तुम आंसर बता सकते थे इसके अंदर, फिर भी अगर सोल्व करना हो तो ये मेरे पास सर्कल दे रखा है, yes, फटाफट सर्कल की सेंटर और रेडियस बता सकते हो मेरे को तुम, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर बना के, x - 4² - y - 4² 16 + 16 मैंने ऐड किया, 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -4 ऑलरेडी है, तो इट विल बी 6² कोई दिक्कत, 36 बन जाएगा, 6² लिख दिया इसको, तो सर्कल का सेंटर है मेरे पास 4,4 एंड रेडियस है 6, कोई दिक्कत, तो ये सर्कल कहीं यहाँ पे है 4,4, रेडियस 6 है, तो कुछ ये इस टाइप का मेरे पास बन रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा जो सर्कल है, जो वेरिएबल सर्कल है, वो इसको भी टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो इसका सेंटर है 4,4, इनके सेंटर का लोकस निकालना है, मान लिया क्या h, k, तो मेरे को करना क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है, 4 प्लस, क्योंकि x एक्सिस टच कर रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, k ही हो जाएगी, इसका मतलब ये रेडियस मान ली r है,
इसकी आर वन है जो कि कितनी है सिक्स, ये कितना है के, yes, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए, आर वन प्लस के इक्वल होना चाहिए, क्यों? yes. तो ओ वन ओ टू का वैल्यू कितना आएगा, एच माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस के माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन, आर वन कितनी सिक्स प्लस के होल स्क्वायर। सोल्व करने पे क्या मिला मेरे को, अब एच को सीधा एक्स से रिप्लेस कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन, वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो एंटायरली इक्वेशन तुम्हें क्या दिख रही है, सोल्व कर दो इसको, क्या बन गया ये एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर, इसको इसी फॉर्मेट में लिख देता हूं, ओके इसको क्लब करके सीधा लिख दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया ट्वेंटी वाई, ट्वेंटी वाई प्लस ट्वेंटी, तो सोल्व करके क्या दिखता है, एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी कॉमन वाई प्लस वन, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक पैराबोला की ही इक्वेशन आ गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू फाइव इंटू कैपिटल वाई, तुम्हें दिख रहा है इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, फोर कोमा माइनस वन पे, तो जैसा मैंने तुम्हें लास्ट कॉन्सेप्ट में बताया था कि मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूं नीचे, yes. कितना डिस्टेंस नीचे, सिक्स डिस्टेंस नीचे, तो ऑब्वियसली ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, yes. है कि नहीं, और ये इसका फोकस हो गया, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ओके सिक्स, ये कितना डिस्टेंस है, फोर ऊपर है और सिक्स नीचे है, टेन हो गया ना, तो उसका वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना इस डिस्टेंस पे, yes. तो मिड पॉइंट कहां पाएगा, पांच डिस्टेंस नीचे उतार दूं, yes. तो एक्स तो उसका फोर ही है, फोर कोमा माइनस वन, दिख रहा है नहीं दिख रहा, yes. तो अगर मान लो तुमसे पूछता कि भाई किसका उसका फोकस बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बताओ क्या होगी, तो अपने को ये सब सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, अगर मेरे को डेफिनेशन समझ में आए तो, ठीक है, ओके, सो एलिप्स का डेफिनेशन याद है, क्या बोलते, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो दो फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस, फोकाई ऑफ एलिप्स, और जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस आती है वो सम क्या आता है, टू ए के इक्वल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मान लो वो फिक्स पॉइंट्स क्या है, एफ वन एंड एफ टू, ठीक है, तो ये हो गई मेरे इसकी मेजर एक्सिस की लाइन, ये हो गई माइनर एक्सिस की लाइन, समवेयर अराउंड इलिप्स मेरा कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है, yes. अब इसी सर्कल के फॉर्म में डेफिनेशन समझते हैं इसकी, किस तरीके से कर सकते हैं, yes. तो एक सिचुएशन देखते हैं, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल सच दैट इट ऑलवेज टचेस टू सर्कल्स, टू फिक्स सर्कल्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली, मतलब एक को एक्सटर्नली टच करेगा और एक को इंटरनली टच करेगा, तो पिक्चर सोच सकते हो, मान लो एक ये बड़ा सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है, ये मेरा एक फिक्स सर्कल है एस वन, ओके, रेडियस इसकी आर वन मान लूंगा मैं, एक वेरिएबल सर्कल है जो इसको क्या टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, ओके, yes, ये मेरा एस वेरिएबल सर्कल इंटरनली टच कर रहा है इसको, इसका सेंटर O1, इसका सेंटर O2, O मान लेता हूँ, ठीक है, yes. तो ये डिस्टेंस बता सकते हो कितनी हो गई, अगर इसकी डिस्टेंस रेडियस मेरे पास R है और इसकी रेडियस R1 है, R1 माइनस R, O1 O की डिस्टेंस कितनी हो गई, R1 माइनस R, ओके, और एक दूसरा सर्कल लेता हूं जिसको ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, चाहे वो अपन कैसे भी बना सकते हैं जैसे मेरा मूड करे, मैंने ये बना लिया, ये मेरा दूसरा सर्कल है जिसको ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, मान लिया दूसरा सर्कल क्या है S2, सेंटर O2, yes.
और ये इसकी रेडियस आर टू, तो ये बता सकते हो ओ टू ओ का वैल्यू कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा R plus R2, कोई दिक्कत? Yes, no. अगर अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं, ठीक है? Yes, sir. अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या दिखेगा मेरे को, इक्वेशन वन इक्वेशन टू को मैंने सम कर दिया, तो क्या बना मेरे पास, ओ वन ओ प्लस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अब ये एक फिक्स डिस्टेंस है, yes, sir. अब ये एक वेरिएबल पॉइंट है ओ, yes, sir. तो यहां से तुम कंक्लूड कर सकते हो कि O की जो डिस्टेंस है O1 से और O2 से, उन दोनों डिस्टेंस का सम क्या आ रहा है, एक फिक्स क्वांटिटी आ रही है R1 plus R2। Yes, sir. ये बिल्कुल किसकी डेफिनेशन है, इलिप्स की। तो डेफिनेटली O का लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ O क्या आएगा मेरे पास, इलिप्स, ठीक है? Yes. तो एक पल को अपन ये सोच सकते हैं, जनरल इलिप्स के बारे में बात की मैंने, कोई इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं ली, सिंपली एक वेरिएबल सर्कल था मेरे पास जो एक फिक्स सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है और एक फिक्स सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। डिस्टेंस लिख ली दोनों सेंटर से, yes. टच करने की कंडीशन लिख दी, yes, और कंक्लूजन निकाल लिया कि लोकस क्या होगा, इलिप्स। सो हाइपरबोला का लोकस क्या होता था, सब कुछ इलिप्स के जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या है, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी सच दैट डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट एफ वन एंड एफ टू इज कॉन्स्टेंट। तो पी एफ वन माइनस PF2 is constant, वो भी किसके बराबर आती है, length of transverse axis, okay? तो अब इसकी definition circle की terms में देखते हैं। So locus of center of a variable circle moving such that it always touches two given circles externally. इस बार ये दोनों circle को externally touch कर रहा है, ठीक है? तो मैंने दो circle बना लिए मेरे fixed circles, ये हो गया मेरा circle S1, सेंटर इसका मान लिया O1, TDS ले लेते हैं R1, एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये भी फिक्स है, लेट्स से S2, सेंटर इसका O2 और इसकी फिक्स रेडियस R2। अब एक तीसरा सर्कल है जो इन दोनों को टच करता है एक्सटर्नली, ओके, ये मान लीजिए इसका सेंटर, वेरिएबल सर्कल मेरा एस, सेंटर इसका ओ, रेडियस ले लेता हूं आर। तो सोच के बताओ कि भाई ये दोनों को टच कर रहा है, yes, तो ओ वन ओ कितनी बनेगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, फर्स्ट डिस्टेंस आर वन प्लस आर, और ओ टू ओ कितनी बनेगी, R2 प्लस R, दोनों का डिफरेंस ले लू तो दोनों इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दो तो क्या बनेगा, O1O माइनस O2O इज इक्वल टू R1 माइनस R2। अब ये क्या है, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स क्वांटिटी। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट O है उसकी डिस्टेंस O1 से का डिफरेंस किसके साथ, O2 से डिस्टेंस के साथ, दोनों का जो डिफरेंस हो किसके इक्वल आ रहा है, एक फिक्स क्वांटिटी R1 माइनस R2। तो किसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है, हाइपरबोला का। तो सर्कल के रेस्पेक्ट में तीनों का समझ में आई, yes, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। yes. तो मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, वो आप जरूर इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें और फायदा उठाएं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, लव नियल एप्स। Thank you, sir.